नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि पूरे राजस्थान के साथ साथ भारत में मार्बल के नाम से प्रसिद्ध किशनगढ़ इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक प्रकार के मार्बल व उच्च क्वालिटी के मार्बल मिलते हैं। साथ ही जब से सरकार ने मेक इन इंडिया लागू किया है, तब से यहाँ से भारत के प्रत्येक हिस्से के साथ साथ विदेशों में भी मार्बल का निर्यात किया जाता है। तो आज इसी को लेकर के हमारी न्यूज 19 की टीम किशनगढ़ पहुंची है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान के किशनगढ़ में प्रत्येक प्रकार का मार्बल उपलब्ध है, और इसी को देखते हुए पूरे भारत के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों से लोग एकत्रित होकर के किशनगढ़ जाते हैं और उच्च क्वालिटी का मार्बल लेते हैं। लेकिन ये उच्च क्वालिटी का मार्बल वहाँ पर ही क्यों लिया जाता है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि किशनगढ़ के अंदर कम दाम के अंदर अच्छी क्वालिटी का मार्बल उपलब्ध कराया जाता है। इसी को देखते हुए अन्य कई जगहों से बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आते हैं और मार्बल खरीद करके लेके जाते हैं। न्यूज 19 में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़, मार्बल का ऐसी मंडी, ऐसा बाजार जिसने पूरे राजस्थान और पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा रखा है। अगर मार्बल लेना हो तो किशनगढ़ आए। आज हमारे साथ मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन साहब आए हैं। इनसे विचार साझा करना चाहेंगे कि क्या मार्बल के कौन सा बाजार है, मकराना को छोड़कर क्यों लोग किशनगढ़ आना चाहते हैं। सबसे पहले सुधीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुधीर जैन, अध्यक्ष किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आज आप यहाँ किशनगढ़ पधारे और हमें पढ़ने का, हमें समझाने का, हमें सोचने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद जैन साहब। आज मकराना को पछाड़ कर आप एक नंबर पर, किशनगढ़ एक नंबर पर आ चुका है। ऐसा क्या रहा कि मकरानों को लोग भूल गए और किशनगढ़ को याद करने लगे? इकोनॉमी में एक सिद्धांत है, मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल। ये इस सिद्धांत पर किशनगढ़ की मंडी बनती है। हालांकि यहाँ कोई भी माइंस वगैरह नहीं है, केवल ट्रेडिंग फर्म है और प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पर हर व्यापारी का एक सपना है ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचूँ, कम से कम प्रॉफिट हो और मेरा ग्राहक संतुष्ट हो तो लौट के वापस यहाँ आए। इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ व्यापारी आते हैं और संतुष्ट होकर और जाते हैं, और यही कारण है कि नियमित रूप से 400 से 450 ट्रक पर डे का डिस्पैच है। जैन साहब, अध्यक्ष रहते पद पर आपको एक साल का समय हो चुका है, क्या कमी लगी है आपको कि ये कमी में सुधार होना चाहिए? कौन कौन सी कमी है इस मार्बल मंडी में किशनगढ़ में? हमारे व्यापारियों को और मजदूर भाइयों को एक दूसरों को जागरूक होना चाहिए कि वो अपनी हेल्थ का और अपने मेडिकल एम का ये सब व्यवस्था हर व्यापारी करे, हर मजदूर भी इसको अपना दायित्व समझे, ताकि उनकी भी सुरक्षा है और उनका भी इलाज हो सके। मिनिमम पैसा लगता है पर सुविधा बहुत अच्छी मिलती है, और यही है, और इसी बात का प्रयास करेंगे कि व्यापारी और मजदूर भाई ये सब के सब मिलके हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इन दोनों के लिए एसोसिएशन के निर्देशों की पालना करके इस कार्य को गति दें। किशनगढ़ की बात करें, सुविधा के नाम पर मार्बल मंडी में ऐसे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा आपने बताई, एक हॉस्पिटल भी है, और मजदूरों की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से आपने उपलब्ध करवा रखे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह कोई उपलब्ध करवा? नहीं, मार्बल सिटी हॉस्पिटल हमारा निजी हॉस्पिटल है और उसमें जो भी मजदूर जाता है वो इलाज करवा सकता है। इसके अलावा अब हम भविष्य में हर एरिया वाइज, हर फेज वाइज अब मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हर फेज के अंदर सारे मजदूरों का मेडिकल चेकअप हो जाए, और यदि वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाया जा सके। और मजदूरों का जो सर एक सुरक्षा के दायरे देखा जाए तो बीमा होता है, क्या आपके द्वारा वो भी स्कीम चालू की गई? प्रयास किया था पर इसमें थोड़ी सी जागरूकता कम लगी, अब इस बात का प्रयास करेंगे कि इसको अति आवश्यक सेवाओं का और अति आवश्यक नियमों के तहत इसका कार्यवाही करें कि जो भी मजदूर जिस फैक्ट्री में रहे वो मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस करवा के ही उसको रखा जाए। जिन साहब, जैसे कहते हैं ना,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, मजदूर कहीं का भी आ सकता है। क्या आपकी एसोसिएशन द्वारा ऐसी कोई सुरक्षा की गई है कि वेरिफिकेशन कुछ किया गया है मजदूरों का, ये कहाँ का रहने वाला, कहाँ काम कर रहा है, ऐसी कोई? देखो यहाँ 1200 फैक्ट्रियाँ हैं और कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में दायरे में ये फैली हुई है। व्यापारी जो फैक्ट्री ओनर है, हमारे उद्योग के जो मालिक है वो हमारे सदस्य हैं, ये उनका दायित्व है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन करा के रखें। 60% तो लेबर हमारे आसपास के क्षेत्र की है और 40% है बिहार की, बंगाल की, ये आती है। अब शायद मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ हो। अब इसके निर्देश हम आज से ही तुरंत जारी कर देंगे कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए। जैन साहब, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन एक भामाशाह के रूप में काम करती आई है, क्या ऐसा कोई काम आप बताना चाहेंगे जो मार्बल एसोसिएशन ने, चाहे वो मजदूर के परिवार को सहायता दी हो, चाहे आसपास की स्कूलों और या ऐसे कोई कार्यक्रम करवाए हैं? स्कूलों का दायरा तो मार्बल एरिया का नहीं है, पर अभी कोरोना काल में जितने भी मजदूर यहाँ थे सबको भोजन की व्यवस्था एसोसिएशन ने की है। कोई भी मजदूर यहाँ कोई भूखा नहीं सोया है और अभी मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी एसोसिएशन ने आर्थिक सहयोग किया है कोरोना के लिए। स्थानीय प्रशासन को भी मार्बल ने आर्थिक सहयोग किया है। इसके अलावा भुज में जब भूकंप आया था तब यहाँ से काफ़ी कुछ आर्थिक सहायता प्लस सामग्री यहाँ से भेजी गई थी एसोसिएशन द्वारा। इसी तरीके से अभी युद्ध हुआ था कारगिल का, उस कारगिल के युद्ध के अंदर जितने मरे थे सबको 5-5 लाख रुपए यहाँ से भिजवाए गए थे जितने भी मरे थे। तो इस तरीके का जब भी उच्च निर्देश आ जाते हैं तो वो कार्य करने को तत्पर रहती है। जैन साहब, प्रदूषण को देखते हुए एसोसिएशन द्वारा क्या कदम उठाए गए? प्रदूषण के लिए हमने 1 लाख पेड़ यहाँ लगा रखे हैं और 2 डंपिंग यार्ड बड़े बड़े जिसमें स्लरी खाली होती रहे, जिसकी वजह से ये प्रदूषण फैलता है, वो प्रदूषण का नाम ही नहीं रहे। तो सारी स्लरी डंपिंग यार्ड में खाली होती है और ट्रैक्टर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और उन ट्रैक्टरों से यदि कहीं गंदगी हो भी गई तो 2-6 ट्रैक्टर वाले से उसकी धुलाई करवा के साफ करवाई जाती है। जैन साहब, भविष्य को देखते हुए आगे ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे जो किशनगढ़ मार्बल पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि उपलब्ध कर सके, ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे? अब ये तो सारे अब प्रसिद्धि तो हो ही चुकी है क्योंकि अभी चाइना से माल आना बंद हो गया और दूसरी कंट्रियों से माल आना बंद हो गया, अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आज की तारीख के अंदर बहुत ऊंचे शिखर के ऊपर किशनगढ़ मार्बल मंडी पहुंच चुकी है कि इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। कंटेनर यार्ड यहाँ हो चुका, कंटेनर यार्ड से एक्सपोर्ट होता है, कंटेनर यार्ड से इम्पोर्ट भी होता है। तो आज की तारीख में अपने आप में व्यवस्था सब प्रॉपर है और बाहर के व्यापारी भी यहाँ माल खरीदने आने लग गए और यहाँ से माल भी तैयार हो गया, बाहर 20-30 mm में माल बाहर एक्सपोर्ट होने लग गया। जैसा सुरक्षा की व्यवस्था से देखी जाए कि प्रशासन द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ कुछ ऐसा आर्थिक सहयोग भी मिलता है आपको या नहीं मिलता? नहीं सर, ऐसा कोई आर्थिक सहयोग सरकार के द्वारा स्थानीय से नहीं है, पर जरूरत पड़ती है तो एसोसिएशन ही उनका सहयोग करती है, सरकार द्वारा कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं एक एसोसिएशन एक भामाशाह के रूप में काम कर रही है, ये सब व्यापारियों के सहयोग की बात है और आज सारे व्यापारी इतना उत्साहित होते हैं कि वो इस मामले में एसोसिएशन को फुल एम्पावर्ड कर रखा है कि एसोसिएशन जो भी जनहित के काम हो उसके लिए कुछ भी करने हो तो वो पीछे नहीं हटते। धन्यवाद जैन साहब चैनल में बात करने के लिए। आज हमने खास मुलाकात में एसोसिएशन अध्यक्ष, मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जी जैन से बात की। इन्होंने अच्छे विचार बताए, आगे भविष्य में देखते हुए भी इन्होंने बताया है कि हमारी जो एसोसिएशन है इस पर कार्य करती रहेगी। देखते रहें न्यूज 19। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी करतार सिंह।